हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। आज फिर आया आप लोगों का सामने छोटा सा एक वीडियो लेके। मेरा आज का वीडियो है हाउ टू क्रिएट यूट्यूब अकाउंट। आपको यूट्यूब अकाउंट ओपन करना है, यूट्यूब चैनल बनाना है, इसलिए आपने थंबनेल देखी, इस वीडियो पे आया। आपने सही वीडियो पे आया हुआ है। अभी मैं आपको, आप थंबनेल में देखा होगा जो मैंने बताया, एक मिनट में यूट्यूब चैनल ओपन करें। जी हाँ दोस्तों, मैं कोई क्लिक बेट नहीं की, मैं आपको प्रूफ का साथ बताऊंगा एक मिनट में आप कैसे यूट्यूब चैनल ओपन कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल खोलने के लिए आपको क्या चाहिए? कोई सोचता है जो मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मेरे पास कोई अच्छा मोबाइल नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, मैं कैसे यूट्यूब चैनल खोल सकता हूँ? दोस्तों ये चीज़ सही नहीं है। आपके पास यूट्यूब चैनल ओपन करने के लिए आपके पास सिर्फ वन मोबाइल होना चाहिए, स्मार्टफोन, और एक जीमेल का आईडी होना चाहिए। आज के ज़माने में हर किसी के पास स्मार्टफोन होता ही होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा। और जब स्मार्टफोन आपका पास आपका हाथ में है तो लाजिमी आपके पास एक जीमेल आईडी भी होगा। अगर आपके पास जीमेल आईडी नहीं है तो इस जीमेल आईडी को कैसे बनाना है, मैं इस बार में वीडियो बना चुका हूँ, आप पीछे जाके देख सकते हैं। मैं इस वीडियो का लास्ट में उस वीडियो को अटैच कर दूंगा, आप उधर से भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप अगर आपके पास अगर एक जीमेल आईडी है और आपके पास एक मोबाइल है तो इसका मतलब आपके पास एक चैनल है। बस इसको थोड़ा सा तरतीब करना पड़ता है, इसको थोड़ा सा सेटिंग करना पड़ता है छोटा सा, तो वो मैं आपको अभी शेयर करने वाला है वो आप कैसे करेगा। ठीक है जी दोस्तों, तो चलिए हम लोग चलते हैं मेन वीडियो पे। और जाने से पहले भाई का नाम जान लीजिए, मेरा नाम हसन है और आप देख रहे हैं MRS Tech YouTube चैनल। तो अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो बहुत बहुत शुक्रिया, अगर नहीं किया तो अभी कर लीजिए ताकि आगे भी आपको यूट्यूब रिलेटिव इस तरह की वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है जी दोस्तों, तो चलिए हम लोग चलते हैं मेन वीडियो पे, देखते हैं आपको एक मिनट में कैसे यूट्यूब चैनल ओपन कर सकते हैं। ओके तो दोस्तों, हम लोग आ गए मोबाइल की स्क्रीन पर। अभी आपको सीधा यूट्यूब ओपन कर लेनी है। जैसे आप YouTube ओपन करेगा तो आपने अगर इसमें कोई Google अकाउंट डाला हुआ है तो आपका ऊपर इधर लोगो नज़र आएगा। आपको क्या करनी है, सीधा इस लोगो में क्लिक करनी है। जैसे आप इसमें क्लिक करोगे तो आपने चेक कर लेनी है ऊपर इस एक नंबर पे, जिस ईमेल आईडी से आपने ये चैनल क्रिएट करना चाहता है, इस ईमेल आईडी इधर इसमें है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप इसमें क्लिक करो तो आपको इधर ऑप्शन मिल जाता है चेंज करने का, आप चेंज कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, सेकेंड ऑप्शन पे देखें, योर चैनल बोल के ऑप्शन है, आप उसमें क्लिक कर दोगे। जैसे आप क्लिक करेगा तो आप देखोगे ऑलरेडी आपकी जीमेल के अकाउंट पर डिफ़ॉल्टली एक चैनल ओपन है। जी हाँ दोस्तों, ये शायद कुछ आदमी लोगों को पता नहीं है, इस कोई भी जीमेल आईडी जब बनाता है, आपका मोबाइल में डालता है, आप यूट्यूब चलाते हो तो ऑलरेडी एक अकाउंट उसमें बन जाता है, सिर्फ इसमें थोड़ा सा सेटिंग करना पड़ता है। तो सेटिंग आप क्या करनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको इधर ऑडिट चैनल में जाना है। तो देखिए इधर जो नाम है, ये नाम है आपका जो गूगल अकाउंट में आपने नाम दिया था वही नाम इधर डिफॉल्ट आया हुआ है। अभी इस नाम में तो आपको चैनल नहीं बनाना है। तो आपको क्या करना है, इधर ये पेंसिल का आइकॉन का एक बटन नज़र आ रहा है आपने, इसमें क्लिक कर देना है तो ऐसे ऑटोमेटिकली आपका जो है ना इधर नाम ऑडिट हो जाएगा। तो ऑडिट होने के बाद आप इसमें से नाम आप अपना मर्जी से चेंज करो। ठीक है, चेंज करने के बाद इसमें ओके बटन में दबा दो। मैंने चेंज नहीं किया, आपका मर्जी, अब आपने नाम चॉइस करके नाम इसमें लगाने का है। उसके बाद चैनल डिस्क्रिप्शन में आप इस चैनल में क्या काम करना चाहते हो अगर इसमें लिखना चाहते हो तो अच्छी बात है, लिख दीजिए। इसमें सेकेंड ऑप्शन में आपको सेम ऑप्शन है, पेंसिल का एक आइकॉन नज़र आ रहा होगा, इसमें आप क्लिक करोगे तो ये ऑडिट हो जाएगा। इसमें आप चैनल के बारे में कुछ भी बताना चाहते हो तो ऑडियंस को तो आप इसमें बता सकते हो। फिर इसको सेम इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपका चैनल समझो इधर रेडी है। चैनल का नाम भी चेंजिंग हो गया, चैनल का नाम अगर लग गया वो तो ऊपर आपको जो चैनल का लोगो है वो पिक्चर आपको चेंज करनी है, यानी लगाना है वो। पहले तो आपका लगा हुआ नहीं होगा तो आप में सिंपल से इसमें क्लिक करोगे तो आपका दो ऑप्शन आ जाएगा, उसमें एक में आएगा अभी पिक्चर लेने का, दूसरी चॉइस करने का। आप चॉइस में क्लिक कर दीजिए ताकि आपका गैलरी में अगर फोटो है तो आप इधर से कोई भी फ़ोटो को इधर ले लीजिए। लेने के बाद चलिए मैं इधर से एक फ़ोटो सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ईजी हो। तो चलिए मैं इस यूट्यूब लोगो को कर देता हूँ। यूट्यूब लोगो करने के बाद ऊपर राइट में देखा आपको सेव नज़र आ रहा है, आप इसमें सेव कर दीजिए। जैसे आप सेव कर दोगे तो आपका लोगो इधर लग जाएगा।
एक देखिए जी दोस्तों, आपका लोगो लग गया। अभी इसमें जो है आपका चैनल बन चुका है, आप चाहे तो अभी भी वीडियो अपलोड कर सकती हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है जो आप 15 मिनट से ऊपर वीडियो अपलोड नहीं कर सकती, और दूसरी बात का जो कस्टम थंबनेल है वो नहीं लग नहीं सकता। तो इसमें लगाने के लिए आपको सिंपली से क्या करना होगा, आपका चैनल सबसे पहले वेरीफाइड करना होगा। जैसे आप वेरीफाइड कर लोगे तो आपका पास कुछ फ्यूचर ओपन हो जाएगा, जैसे कस्टम थंबनेल लगा सकते हो आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हो, आपका लोगो लग जाएगी, आपका बैनर लग जाएगी, वो तीन चार फ्यूचर आपका खुल जाता है। तो इसको करने के लिए इधर से नहीं होगी, इसको करने के लिए आपको गूगल क्रोम में जाना पड़ेगा। तो दोस्तों इधर तो सिंपली से चैनल जो बोला था एक मिनट में, तो चैनल तो हो गया। आप चाहे इधर से वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं अभी के अभी। कैसे करेगा, आप चाहे तो इधर से डायरेक्टली इधर नीचे देखे प्लस बटन है, इसमें से भी क्लिक करेगा तो आपको इधर वीडियो अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, नहीं तो आप सीधा बाहर आ जाइए। दोस्तों जैसे आप बैक में आ जाओगे, आपका यूट्यूब का मेन पेज में आ जाएगा। मेन पेज में आने के बाद देखें नीचे प्लस बटन का आइकन नज़र आ रहा है, इसमें क्लिक करोगे आपका वीडियो अपलोड करने का ऑप्शन इसमें नज़र आ रहा है। देखें वीडियो अपलोड, इसमें क्लिक करोगे आपका वीडियो जिधर भी रखा हो उधर से लेके आपने कर देनी है। तो चलिए दोस्तों, हमें ये तो वीडियो अपलोड करना ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आपको दिखाता है इसमें जो चैनल को वेरीफाइड करना है वो कैसे करना है। वो वेरीफाइड करने के लिए आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन करना पड़ेगा, और ऑलरेडी इस बारे में मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ मेरे चैनल में। अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो मेरे ख्याल से वो अब बहुत आसानी होगी। फिर भी मैंने इसमें सिंपल इस तरीके से आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेनी है। तो दोस्तों जैसे गूगल ओपन करेगा तो आपके पास ऐसा ही इंटरफेस ओपन होगा। तो आपने इसमें लिखना क्या है, www.youtube.com नीचे आ गया, आप इसमें youtube.com में सिलेक्ट कर देनी है। जैसे सिलेक्ट कर दिया जाएगा तो आपका पास ऐसा ही एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इंटरफेस ओपन होने का सबसे पहले का काम जो हो आपका होगा वो होगा आपने इसको डेस्कटॉप बारसोन में ओपन करनी है। तो इसको करना क्या है, आपको 3 डॉट में ऊपर क्लिक करनी है। जैसे राइट कॉर्नर में 3 डॉट है, इसमें क्लिक करेगा तो आपको नीचे नज़र आएगा डेस्कटॉप साइट, इसमें डेस्कटॉप साइट में कर दिया जाएगा, आपका पेज को दोबारा लोड ले लेगा। जैसे ले लेगा तो आपको क्या करना है, आपका इस ये ड्राइव में वही आईडी जिस आईडी में आपने अकाउंट खोलना चाहता है वो अकाउंट है कि नहीं, इसमें चेक करने के लिए आपने राइट कॉर्नर में देखे उसका लोगो अगर है तो वो है, नहीं है तो इसमें जब ओके करेगा तो आपको इसको इधर से चेंज कर सकते हैं। चेंज कैसे करेगा, इसमें क्लिक करने के बाद अब इधर देखे स्विच अकाउंट, तो आपने इसमें चेंज कर लेना। मेरा ऑलरेडी इसमें है आप देख सकते हैं, इसीलिए मैं चेंज नहीं करना चाहता। आपको सीधा क्या करना है, सीधा आप आ जाएगा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल में आने के बाद आपको क्या करनी है, इधर देखे ये टोटली 0 सब्सक्राइबर है, नया चैनल है, तो आप इसको कस्टम चैनल में ओके कर देगा। जैसे आप कस्टम चैनल में ओके करेगा आपको बोलेगा इसको कंटिन्यू करने के लिए स्टूडियो में, अभी स्टूडियो में कंटिन्यू कर दीजिएगा। जैसे ही कंटिन्यू करोगे आप तो आपके पास ये इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ठीक है जी दोस्तों, आने के बाद सबसे नीचे देखे आप एक आइकन नज़र आ रहा है सेटिंग की, आप इसमें क्लिक कर दोगे। जैसे इसमें क्लिक करेगा तो आपके पास एक इंटरफेस आएगा, इसमें सेकंड ऑप्शन पे देखे चैनल लिखा हुआ है, आप चैनल पे क्लिक कर देना है। सेकंड में क्लिक कर देने के बाद इधर एक काम कर लेना, इधर कंट्री आपको सिलेक्ट करनी है, इस जगह से आपको कंट्री सिलेक्ट करनी है। आप जिस देश से भी ओपन कर रहा है उस कंट्री को इधर से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको अभी आना है तीसरी ऑप्शन में, इधर आने के बाद आपको फोन वेरीफाइड करना है तो आपको इधर ही आना पड़ेगा। इधर आने के बाद देखें सेकंड ऑप्शन पे आपने इसमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखें आपको इधर फोन से वेरीफाइड करने के लिए बोल रहा है, अगर ये वेरीफाइड करेगा तो आपको 15 मिनट से ऊपर वीडियो डाल सकता है, कस्टम थंबनेल डाल सकता है, लाइव स्ट्रीम कर सकता है, यानी तीन चार फ्यूचर इस तरफ ओपन हो जाता है। तो आपको करना क्या है, आपको सीधा सीधा वेरीफाइड फ़ोन नंबर में क्लिक कर देनी है। जैसे आप क्लिक करेगा तो आपके पास इस तरह आपका इंटरफेस आएगा, तो आप इसमें से क्रोम को सिलेक्ट करेगा, क्रोम को सिलेक्ट करके अपने अलाउ कर देगा, अलाउ कर देगा, फिर आपके पास दोबारा लोडिंग ले लेगा। जैसे लोडिंग होगा आपके पास दो ऑप्शन होगा, एक होगा मैसेज वेरीफिकेशन का नंबर से, यानी मैसेज करेगा टेक्स्ट मैसेज करेगा, दूसरी कॉल से। आप कॉल का सिलेक्ट कर सकते हो या मैसेज का, मैं मैसेज का करेगा। इसमें से कंट्री सिलेक्ट कर देने का, कंट्री सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपका नंबर देने का। ये नंबर देने के बाद आपका जिस इसमें नीचे आपको गेट कोड नंबर बोल के एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा, इसमें क्लिक कर देने। जैसे क्लिक करेगा तो आपका पास जिस मोबाइल नंबर दिया है उस मोबाइल पर एक OTP कोड आएगा, 6 नंबर की 6 डिजिट की एक कोड नंबर आएगा, उस कोड नंबर को इस जगह पर एंट्री कर देनी है।
इधर आपको मांगेगा, जैसे एंट्री कर देगा आपका काम खत्म, आपका चैनल वेरीफाइड हो गया। अभी आपने थंबनेल कस्टम कर सकते हैं, 15 मिनट से ऊपर वीडियो डाल सकते हैं, अपने लाइव स्ट्रीम कर सकते। हाँ जी दोस्तों, और एक बात याद रखना, लाइव स्ट्रीम अभी आपने ऐसा डायरेक्टली नहीं कर सकते है यूट्यूब के थ्रू, आप करना है तो आपको थर्ड पार्टी कोई एप्लीकेशन यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है जी दोस्तों, तो समझ में आ गया। अगर आप में डाउट है, कोई दिक्कत है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आज का वीडियो यहाँ तक ही है, फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो पे। ओके जी दोस्तों, बाय बाय।